नाम दिया जा रहा है इनामुल्लाह। मुकाबला हिफ्ज में इनको इनाम दिया जा रहा है। वाजिद अली नकदी इनाम, वाजिद अली वाजिद अली रैयान गफर मुकाबला हिफ्ज में हर बच्चे को 500 रुपया नकद इनाम दिया जा रहा है। खलीफुर रहमान उमर सलाम कर रहे हैं, सदीकुरहमान उस्मान कैसे सलाम करो, पहले मुसाफा करो, कोरोना तो है लेकिन चलो खैर उस्मान। दानिश अली रियान जफर मुकाबला में इन तलबा को जिन्होंने हिफ्ज़ के मुकाबले में हिस्सा लिया 500 रुपया नकद रियान जफर मुकाबला में दिया जा रहा है। अदनान अदनान आज अल्लाह से सही मानों में एसएचओ बनाए साहब। दीनदार लोग अगर इंतजामिया में और अदलिया में जाए हैं फिर इंशाल्लाह हमारे मुल्क का सारा निज़ाम ही बदल सकता है। अल्लाह ताला इसको वाकई एसएचओ बनाए, हाफज भी बनाए, आलम भी बनाए, एसएचओ भी हो, एसपी हाँ उन्होंने और बात कर दी कि एसपी भी बनाए। असल मसला ये है ना कि हम लोगों ने ये मैदान खाली छोड़ दिया है। जब हमने ये मैदान खाली छोड़ा तो फिर वहाँ पर ऐसे ही लोग आने हैं। तो अगर दीनदार लोग इंशाल्लाह आपका ये इदारा बेस्ट है इस्लामिक सेंटर, अल्लाह ने चाहा जिंदगी दी तो इंशाल्लाह जदीद तालीम को भी यहाँ पे हम शुरू करेंगे। ब्रदर जी हमारी मस्जिद 5-6 मंजिला है और इसमें ये सारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं अल्लाह ने चाहा तो ये हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। नौमान नौमान तो मिल गए जुहेर रैयान जफर मुकाबला हिफ्ज में इनको इनाम दिया जा रहा है। अब्दुल बासित हजरत का हम नाम है अब्दुल बासित।